मनिका प्रखंड मुख्यालय के नामोदक पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी, सीओ संतोष शुक्ला, प्रखंड प्रमुख प्रतिमा देवी, उप प्रमुख कांति देवी, बिसुत्री अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान, मुखिया दिनेश कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि दरोगी यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में पंचायत के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग स्टॉल लगाकर आवेदन लिया गया। सरकार का बहुत बड़ा आज जो यहाँ की योजना परिषद का और हमारे गरीब का आप गरीब का गरीब सरकार का घर पर जाकर बहुत बड़ा सोच है सरकार का। और एक तरह का ऐसा योजना है कि आपका इस टेबल से काम हो जा रहा है, इतना परेशानी लोगों को था। वीडियो कौन है, सीओ कौन है और क्या कहते हैं आपको, विधायक प्रतिनिधि कौन है, किसी अध्यक्ष कौन है, ये सारा चीज जाके गांव में परिचय पाती भी हो रहा है, काम भी लोगों को जान पहचान भी बढ़ रहा है। जैसे वीडियो साहब को नहीं जानता था बहुत से गाँव के लोग, लेकिन आप सबको जानते हैं वीडियो साहब ही आए, सीओ साहब आए, विधायक प्रतिनिधि आए, हमारे अध्यक्ष जी आए, यहाँ का पंचायत परिवार सेवक सब लोग अपना पंचायत में घूमते हैं, लेकिन इतना पंचायत में लोग घूमते नहीं थे। जब सरकार का सोच है का जो है गाँव में जाकर पंचायत में जाकर हम एक पब्लिक से जान पहचान करें, पब्लिक को काम करें, आप पब्लिक एक एक पब्लिक हमारा वीडियो साहब को हमारा सी एम साहब का चिन्हेंगे ताकि उनको चिन्हने में परेशानी नहीं। सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जो प्रशासन और शासन सब चलाने का क्या तरीका है, बहुत बड़ा सोच है। इस सोच से हम लोग भी खुश हैं, यहाँ का पब्लिक भी खुश है और काम भी हो रहा है। जो काम में सोच रखना चाहिए वो सरकार रखे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अभी तक 11वां पंचायत में हम लोग हैं जो नामोदक, तो अभी तक शुरू से अंत तक 11वां तक बहुत सारा पब्लिक का काम हुआ है प्रखंड में। और ऑन द स्पॉट खास करके सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फूले योजना, बाबू आवास योजना एवं कल्याणकारी योजना जो ITDA जो चलाती है उसके द्वारा बहुत सारा काम हुआ है। और ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री झारखंड के श्री हेमंत सोरेन जी एवं क्षेत्रीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी के सहयोग से लगाया जा रहा है शिविर, उसमें आम आवाम का बहुत सारा काम हो रहा है। जो मतलब सपनों में नहीं सोच सकता था कि हमारा ये काम हो जाना चाहिए, वो आज उनके घर में ही काम हो रहा है।